भाई साहब आज जाने की इतनी जल्दी हो रखी, सुबह 5 बजे से उठ के इसने नहाना धोना करके सारा काम कर दिया, आधा फाइनल। लेट हो जाए तो अलबलाट कुछ ऐसे होता है कि देखो पहला भाई किडनैपिंग मैन ले गई अच्छी शॉपिंग करण, और 2-3 दिन तक जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसे रह गए। पता नहीं है बेचारा चेतना को कहाँ कहाँ ढूंढा है, हर जगह ढूंढा पर चेतना नहीं मिली। मम्मी की कॉल आई थी जैक को ढूंढने के लिए, जैक है नहीं घर पे बता रही, वो पहुँचा ही नहीं अभी तक घर। जैक को ढूंढ रहा हूँ, इधर भी नहीं दिखाई दे रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एनदर व्लॉग। गाइस आज फिर से एक बार मॉर्निंग में किचन से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चेतना के काम को लेके। तो आज चेतना जाइए हल्द्वानी शॉपिंग के लिए, उसकी तैयारी में सुबह 5 बजे से उठ के लगी हुई है, नहाना धोना नाश्ता तैयार करना सब कुछ कर दिया इसने आधा से ज़्यादा। ये देखो अभी रोटियाँ बन रही फिलहाल मस्त से। भाई साहब आज जाने की इतनी जल्दी हो रखी मैं इनको, आप देख रहे हैं समय 7:08 हो रहा है। सुबह 5 बजे से उठ के इसने नहाना धोना करके सारा काम कर दिया आधा फाइनल मेरे उठने तक। रोटियाँ भी बना दी, कह रही कि मैं रोटी वोटी बना के जाती हूँ। बाहर का मौसम कुछ ऐसा है आज, अभी फ़िलहाल उस पार से धूप आ गई, इस पार नहीं आ रखी है, ठंडी स्टार्ट होगी, मुंह से भाप निकलना भी शुरू होगा। ये ऐसी बाहर आया ऐसे ठंडा शुरू। और चेतना की पैकिंग इधर हो रखी है, एक सूट केस रेडी कर रखा है इसने, ज़्यादा कपड़े नहीं, हालांकि इसी में कपड़े अपड़े सामान वामान जो होगा वो कुछ लेके आएगी इसमें, और कुछ सामान इसमें लेके आएगी, बाकी ये कपड़े वेयर करके जाएगी यहाँ से। चेतना की गाड़ी पहुंच गई भाई वहाँ उधर। लेट हो जाए तो अलबलाट कुछ ऐसे होता है फिर देखो। आज बढ़िया से तैयार है, रोटी मेकअप भी कर रखा है इसने, सबसे ज़्यादा समय मेकअप में ही लगा है इसलिए विलंब हो गया। अब चाचा को वेट करना पड़ रहा है, मैं तब तक सामान पहुँचा के आ जाता हूँ। वो वाला हाथ में दर रहा, वो हाथ में समय लिया गिल हुआ गिल उत्ती में दर दे, चल पा आ जाए ना पहला भाई किडनैपिंग मैन सॉल दर है तू हिल दर रहो, चल पे भाई ले गई अच्छी शॉपिंग करण हल्द्वानी। ओ चेतना भी गई और चेतना के साथ में ये भी उदास हो गए धीरे धीरे, चेतना के जाने में उदास भाई साहब। अब 2-3 दिन तक जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसे रह गए। जैक क्या हुआ, कहाँ की चेतना, खाएगा अभी रोटी? हाँ अभी खाएगा। आज मेरा नाश्ता अकेले ही हो रहा है, अकेले बैठ के कर रहा हूँ क्योंकि चेतना भी काम में बिजी है। गुरु ने नाश्ता कर लिया है, मैं ही मैं बचूँ अभी मैं कर रहा हूँ, फिर मेरे को भी थोड़ा काम है, उसके बाद फिर मेरे को आज घर भी जाना है, और फिर आई थिंक थोड़ा काम वाम करने के बाद शाम को ही वापसी आऊँगा। खाने की जल्दीबाजी इतनी हो रही है, मैंने प्लेट में भी नहीं ले रखी रोटी, हाथ में पकड़ी है। चेतना के आने तक इसकी खातिरदारी की जिम्मेदारी मेरी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर की सारी जिम्मेदारी मेरी, वो मम्मी की भी स्पेशली। खा खा। फ्रंट से बाहर की वॉल भी ऑलमोस्ट 70% डन हो चुकी है, अब मैं दिखाता हूँ उल्टी छत बची हुई है, फ्रंट से दिखाता हूँ कलर और व्यू। महारानी मेंशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है पहले की तरह, जो आज से 5 साल पहले जैसा हुआ था चेतना की शादी के टाइम पे, सेम वही कलर है। पता नहीं है बेचारा चेतना को कहाँ कहाँ ढूंढाया, हर जगह ढूंढा पर चेतना नहीं मिली, अब घर आके लेट गया बेचारा ऐसा मायूस सा, देखो बैठने की पोज में ही लेटा हुआ है। जैक जैक चेतना कहाँ गई, चेतना चेतना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस अभी निकल पड़ा घर के लिए, बस एक राइड घर की मार के आता। हाँ जी बताइए क्या करना है, मैंने किस काम के लिए बुलाया गया मुझे, थोड़ा तेज बोलिए ताकि हमारी ऑडियंस भी सुन सके, ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकती इसलिए पास आके बोल रही हूँ। मम्मी अंदर की छुपाई कर ली और क्या करना है, घर आते ही काम खाना खाएगा, खाली झाड़ू हूँ, खाली झाड़ू बस एपॉन खस के दिया तो खस के और कल में देने हैं, कैसे होगा होएगा ही नहीं मेरे से एपॉन वाला का, क्या होगा डिजाइन बना होता मैं बना देता पर एपॉन नहीं हो पाएगा, मॉल में बड़ा ही डिजाइन है यार, ठुलाल में दी दिली पक्का ओगनी दिए हो ओगनी बड़ा तो किसको, अरे यार नहीं हो पाएगा ना। टाइसन दिवाली पार्टी लेना है, टाइसन आया, टाइसन दिवाली की पार्टी खाएगा, हाँ बैठ जा भी खाएगा, टाइसन बैठ 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 जा, गुड बॉय। 2-4 दिन घर पे नहीं था तो मेरे लिए कोई खाने के लिए रुक भी नहीं रहा है, खाने में अकेले अकेले लगे हुए हैं, मम्मी ने निपटा दिया, पापा ने खा दिया, मेरे लिए रखा हुआ है, पर खाना शुरू करिए यार, ऐसा होता है क्या, भूख लगी है फिर दिन भर काम काम काम
कब तक देख ही रहूँ, 3 बजे तक। लंच का मेन्यू आज छोला और चना, यानी काले चने और चावल बनाए थे वैसे ही प्लस रायता। चलो अभी चलता हूँ छत की ओर, लाइट वगैरह लगा के आता हूँ फटाफट से। A few moments later, लाइट्स भी लगा दी है। मम्मी एक बार आप स्विच ऑन करोगे लाइट का, देखना चाहता हूँ कैसी दिख रही है। सारी लाइट्स लग गई है, 10 से 11 लड़ियाँ थी तो मैंने इधर से पूरी यहाँ तक लगा दी है, कुछ इस साइड लगा के एक एक इस तरफ, बाकी 10-11 इधर। ये रात को काफ़ी प्यारा लगता है। चल क्यों नहीं रहा फिर ये? अच्छा लाइट गई, फिर चलो फिर। हाँ बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह। ओके ओके, फिलहाल मम्मी जा रही घास काटने और मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा नीचे की ओर जितना क्या। फिलहाल कुछ ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, लाइट्स वगैरह लगाई और मम्मी ने झाड़ू वाड़ू खुद लगा लिया था, बट अभी मेरे को काम मिला है रुई की बत्ती बनाने का। कहाँ की बत्ती, ये छोटी वाली गोल बत्तियाँ बनानी है मैंने, जो कि मम्मी लोगों को बनानी नहीं आती, उनसे बनती भी नहीं है, तो ये मैं बना के आता हूँ। शाम को दिया या जलाएंगे मम्मी, आती है और अच्छी नहीं बनती ऐसा बोली मैं बाहर से, तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी ठीक है। तो मतलब मैं बत्ती वत्ती बना लेता हूँ कुछ, और टाइम हो रहा है 4:15, बट अंधेरा हो चुका है क्योंकि बादल आदल लग चुके हैं, पूरे ढक चुके हैं, और मेरे को आज जैकेट चेंज करनी पड़ेगी, मेरे को मोटी जैकेट पहन के आनी पड़ेगी आज, तो मैं मोटी जैकेट पहन के आऊँगा क्योंकि नीचे की साइड को बहुत ठंडा होता है। यहाँ से जाना है मैंने, फिर उसके बाद नीचे भी कुछ लाइट वगैरह लगानी, क्योंकि आज धनतेरस है तो लाइट वगैरह ना लगाए तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए लाइट वगैरह वहाँ भी लगाएंगे कुछ। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ जैकेट वैकेट डाल के चेतना के जाने के लिए, और लाइट वगैरह लगा मैंने चालू कर रखी, लाइट आ गई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो, और जिस टाइम पे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद काफ़ी प्यारा लगेगा। अभी तो बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही है, बट जिस टाइम पे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद बहुत प्यारी लगेंगी ये लाइट। बादल आदल पूरे लगे हुए हैं, सारा मौसम बेकार हो गया है, ठंड भी बढ़ गई है, हवा चल रही ठंडी ठंडी। अब मेरे को नीचे जाते टाइम यहाँ से इस तार के पार जाना है यार, बहुत ज़्यादा ठंड होएगी, इसलिए मैंने आज ये जैकेट डाल रखी है, इस पर बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, और इसकी कैप भी डाल सकता हूँ मैं। तो फिलहाल चलता हूँ अभी मंदिर में, वैसे की तैयारी जोर शोर से चल रही है, इस बार तो सीढ़ियाँ भी बना दी यहाँ पे, 2-3 सीढ़ियाँ, सीमेंट हो रहा है चारों साइड से। चलाएगा गाँव क्या उड़ान ताऊजी, ताऊजी रेशा जा ले। यहाँ पे एक सूखा पेड़ था, वो पेड़ भी काट दिया, पूरा क्लियर हो गया। बस अब कल से छुट्टियाँ, दिवाली ख़त्म होने तक, उसके बाद फिर से काम कंटिन्यू करेंगे लकड़ी काटने का। तब तक तो मैं भी पहुँच जाऊँगा, मेरी लास्ट दौड़ है आज। यहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया है, 5:30 हो चुका है, और मम्मी की कॉल आई थी जैक को पूछने के लिए, जैक को ढूंढने के लिए, जैक है ही नहीं घर पे बता रही हैं, दिन के टाइम पे जंगल गया होगा, वो पहुँचा ही नहीं अभी तक घर, तो जैक को ढूंढ रहा हूँ, इधर भी नहीं दिखाई दे रहा है यार, धार पे बोलते हैं इस धार पे आता है, यहाँ पे है ही नहीं, और मैं घर के इस धार पे पहुँचा हूँ इस पार। बस झाड़ू वाड़ू ले आया था वहाँ से और थोड़ा सामान भी, तो चलो अंधेरा हो जाए इससे पहले चलता हूँ घर पे और लाइट वगैरह भी लगाता हूँ। पहुँच गया हूँ घर, जैकी अभी भी नहीं पहुँचा है, ऊपर से भी जैकी को ही बुला रहे हैं। झाड़ू घर पहुँचते ही फिसल गए, झाड़ू लेके आया था। ये लाइट्स लगानी है मैंने, कुछ लाइट्स ही है ये, तो इनको ऐसे ही लगा देता हूँ लड़ी ऐसे और चारों तरफ, उसके बाद फिर कनेक्शन भी करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि लास्ट में कैसा दिख रहा है। कनेक्शन हो गया सारा सबका, और मालाएँ भी लटका दी है, अब देखना ही है कि जलती है कि नहीं जलती है, चेक करके आते हैं नीचे से। मैं सारे कनेक्शन कर सकता हूँ, सारी वायरिंग कर सकता हूँ जितना मेरे से हो पाता है, बट मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है कनेक्शन करने के बाद, चेक करने में। अब है चेक करने की बारी, कनेक्शन कैसा हुआ करके, ठीक है। जय माता दी, चल गई चल गई चल गई, इतनी चल रही है, एक लाइट में प्रॉब्लम है यहाँ से, ओह शिट, इस पर प्रॉब्लम हो रखी है, बाकी सब जल रही है इधर से। इस पर क्या हो गया भैया, मेहनत बर्बाद होगी क्या इसकी, नहीं इसी पर प्रॉब्लम हो रखी है। चलो अभी तो कुछ होने से रहा, इसको कल करेंगे चेक, सब कुछ सही हो रखा, बस यही पेस लाइट ने प्रॉब्लम कर दी। मैं सोच रहा हूँ इधर भी लगा लूँ बालकनी में, सही रहेगी क्या, कुछ लाइट्स बची हुई है उनको मैं यहीं लगा देता हूँ इस वाली बालकनी में, ऊपर वाली छत पर तो सही लग रही है, शाम के टाइम पर सामने से सही लगेगी ना, इधर से उतनी वो नहीं लग रही है, बट मैंने कनेक्शन किया तो गैस सही होगा ना। चलो अब चलता हूँ ऊपर की ओर, इस वाली बालकनी में भी करता हूँ कनेक्शन। तो गैस डिनर वगैरह निपटा के रूम पे आ चुका हूँ, और दिन भर आज ब्लॉग ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा काम में भी बिजी रखा मैंने खुद को, क्योंकि चेतना नहीं थी तो बोरियत सी हो रही थी, एक अच्छा ही नहीं लग रहा था, वरना मैं टाइम पे उसके साथ बोलते रहता था, हंसी मजाक चलती रहती थी मेरी, और आज कुछ था ही नहीं ऐसा, तो खाली मैं काम पे लगा हुआ था, और कल का दिन काम करना, उसके बाद फिर परसों चेतना पहुंच जाएगी,
चेतना के वापस आने तक अगर मैं यहाँ पे हुआ तो मैं फिर दिखाऊंगा कि चेतना क्या क्या लेके आई है सामान, हल्द्वानी से क्या क्या शॉपिंग करके आई हो। आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।